शाह शाह जो कि अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपना दिल मेहरू को दे बैठता है जैसे ही वो मेहरू के ऑफिस में आता है तो मेहरू इसके सामने आती है वो बगैर महरू को कुछ कहे महरू की तरफ देखता ही रहता है इधर मेहरू भी शाह शाह की तरफ देखती ही रह जाती है और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि मेहरू का सामना जब जैन शाह से होता है तो जैन शाह मेहरू को देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी लाश तक किसी को नहीं मिलेगी शाह ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने भाई के मुँह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है जबकि इसकी माँ बहुत ही परेशान खड़ी देख रही होती है की यूं शाहनुवाज शाह को सबके सामने अपने भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था इधर जो मेहरू नि है उसको थोड़ा सा ऐतमान हो जाता है शाह शाहनवाज शाह में थोड़ी सी गैरत बाकी है वो अपने भाई को सजा जरूर दिलवाएगा मुझे इंसाफ जरूर दिलवाएगा लेकिन महरू ये भूल चुकी है कि वो एक सियासतदान भी है वो कभी भी महरू का साथ नहीं देगा उसे अपने भाई का साथ देने के लिए पहले महरू की फेवर हासिल करना होगी तभी तो वो अपने भाई को बचा पाएगा क्या महरू के भाई को इंसाफ मिल जाएगा या फिर शाहनवाज शाह अपने भाई को बचा लेगा आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं अपनी राय कहीं हर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा